हेलो फ्रेंड्स, आई एम शोभिक। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज डे टू है पुरी में। हम जाएंगे सीधा जगन्नाथ मंदिर को। और ये है हमारे रूम, बहुत ही अच्छा है ये रूम, एयर कंडीशनर भी है। और अभी हम जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए बस निकल रहे हैं और आप सभी को दिखाऊंगा सारे चीज़। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ बाकी के सारे चीज़ें। बस अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जो जगन्नाथ मंदिर है इसकी भी कुछ तस्वीर या फिर फ़ोटो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा वीडियो में। तो मैं तो अंदर नहीं जा सकूँगा क्योंकि अंदर कैमरा या फिर फ़ोन या फिर कोई भी छोटा मोटा लगेज अलाउड नहीं है। लेकिन आप सभी को दिखाता हूँ। OMG, यहाँ पे कितना क्राउड है और सिक्योरिटी के लिए कितना पुलिस यहाँ पे रखा हुआ है वो सभी आप सभी को दिखाता हूँ। जो भी आप ये छोटा मोटा मंदिर है जो यहाँ पे दिख रहा है। अंदर से सारे लोग निकल रहे हैं। आगे है जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल आगे तक जाएंगे। और आप सभी को पूरा चीज़ जितना हो सके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इंतज़ार कर लीजिए, कुछ मिनटों का वक्त है फिलहाल। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे फैमिली का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो लोग आएंगे तो तभी हम जा सकेंगे अंदर। और यही है मंदिर, यहीं से अंदर घुसना होता है। लेकिन मैं फ़िलहाल तो अंदर नहीं जा सकूँगा क्योंकि मेरे पास मेरे फैमिली का लगेज और बाकी सारे सामान सब मेरे पास है। और अंदर अभी देखने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जो ये आपका फ्लैग होस्टिंग है। अभी फ्लैग होस्टिंग चालू होगा तो वो जो दूर में दिख रहा है इसी फ्लैग का होस्टिंग होगा अभी। तो उसके होने के बाद सारे निकल के आएंगे और यहीं से अंदर घुस रहे हैं। बहुत सारे देखिए सिक्योरिटी के लिए कितना पुलिस है फिर रहे हैं। यही है जगन्नाथ मंदिर। थोड़ा सा आगे जाके आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ। और भी आगे चल के आप सभी को दिखाता हूँ कितना क्राउड है। और यहाँ पे रथ, जो रथ है रथ यात्रा 4 जुलाई को है, इसी के लिए VIP आए हैं देखने के लिए और उसी की वजह से इतना पुलिस है अभी मुझे मालूम पड़ा। और आगे जो जितना भी आगे जाऊंगा आप सभी को देखेगा ये जो रॉक के जो स्ट्रक्चर होता है वो है। ये सारे रॉक के स्ट्रक्चर अभी बन रहे हैं। 4 जुलाई को यहीं से निकलेगा रॉक।
आसपास की सब सजाए जा रहे हैं लाइटिंग और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे पुलिस, फिर भी हम रोहतक नहीं रुकेंगे। तो जितना हो सके आप सभी को दिखाने की कोशिश किया था, यही छोटा सा एक चीज़ था और आगे शायद मैं जा नहीं सकूंगा क्योंकि बहुत क्राउड दिख रहा है मुझे यहीं से। तो फिलहाल मैं इन लोगों का इंतज़ार करता हूँ और आगे जब भी निकलूँगा शाम के मार्केट को भी आप सभी को दिखाऊंगा। फिलहाल तो जो यहाँ पे मंदिर का दर्शन नहीं हो पाएगा, मैं जब जाऊंगा तब मेरा जो कैमरा है वो मेरे फैमिली के पास छोड़ के जाऊंगा, फिर मैं अंदर घुस सकूंगा। तब तक के लिए शायद जितना हो सके मैं खुद देख के आऊंगा क्योंकि अंदर सब सारे चीज़ मना है इसीलिए। तो चलिए आगे जब मार्केट जाऊंगा शाम को तब पूरा मार्केट भी आप सभी को ट्रैवल कराता हूँ, दिखाता हूँ। और यही है पूरा रथ जो यही यहाँ पे एक है और इसके आगे एक दो और सामने वाले में तीन है और इस रथ के जो स्ट्रक्चर अभी बनाए जा रहे हैं वो उसका काम इसी पे चल रहा है, यहीं से काट काट के यहीं पे जुड़ा के चलेगा आगे। जो 4 तारीख को यहाँ से निकलेगा ये तीनों रथ एक साथ, बहुत ही बड़ा है अभी इसका काम चल रहा है, इसके लिए इतना सिक्योरिटी है और भी बहुत आया है। ये बहुत ही बड़ा इन लोगों का एक तो मैं अभी सीधा मंदिर की तरफ जाऊंगा क्योंकि मेरे फैमिली तो अभी वहीं पे है तो उनसे देखने के लिए मुलाकात करने के लिए भी वहीं पे जाना होगा वरना वो लोग मुझे ढूंढते रह जाएंगे। और मुझे सीधा यहीं से मंदिर दिख रहा है और अगर आप लोगों को पीछे से दिखेगा तो यहीं पे काम चल रहा है तीनों रथ की, अभी रथ की जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, अगर आप लोग देखोगे तो देख सकोगे कितना बड़ा है। तीनों रथ है एक साथ रथ यात्रा पे निकलेगा एक दिन में और मौसम अभी शायद बारिश हो सकता है, थोड़ा थोड़ा बारिश लग रहा है मुझे, पानी के बूंदे, बहुत पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत है। और इसके आगे जो मंदिर है वही मैं आप सभी को दिखाता हूँ, अगर यहीं से आप लोग देखोगे तो वो है जगन्नाथ की मंदिर। और मुझे वो सीधा जाना होगा और यहाँ पे बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के जो टीम है वो अभी यहाँ पे बन रहे हैं, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, लिखा है फ्री शूज मोबाइल स्टैंड ये सब कुछ यहीं पे रख के आप अंदर जा सकोगे। और मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ तीनों रथ किस तरह से दिख रहा है, ये तीनों रथ यहीं पे खड़ा है, 4 तारीख को एक साथ निकलेगा सारे। पूरा सड़क काफ़ी बड़ा है तो कोई परेशान तो नहीं होने हो सकता है किसी को। उसकी जो चक्का है क्या बोलते हैं इसको हिंदी में मुझे ठीक से याद नहीं है, बहुत ही बड़ा है। आगे मैं सीधा जाऊंगा मंदिर के पास और आगे जाके मैं वहाँ पे आप सभी को दिखाता हूँ, जब फ्लैग होस्टिंग होगा तब शायद बाहर से भी दिखता है, अगर नहीं दिखेगा तो उसके लिए पहले से माफ़ी। और जितना हो सके मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसी के लिए मैं ब्लॉग करता हूँ ताकि आप लोग भी घर बैठे बैठे ये सारे चीज़ देख सकोगे। तो आज चलिए चलते हैं। तो अभी अभी जगन्नाथ मंदिर से होकर आए हैं हम, जो फ्लैग होस्टिंग वगैरह था वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सका क्योंकि उस टाइम पे बारिश हो रहे थे वहाँ पे। और यही पीछे है हमारा होटल, वापस आगे है जब बात शाम को निकलेंगे सामान खरीदने के बाद, उस टाइम पे जो मार्केट है वो तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था और कुछ कुछ चीज़ जो है नहीं है वो सारे चीज़ दिखाऊंगा आप सभी को। तो फिलहाल के लिए अभी होटल में जा रहा हूँ, जब शाम को निकलूँगा उस टाइम पे दिखाऊंगा सब कुछ।
इतना नहीं देखा रहे साइज रहा बेसिकली आज शाम को कुछ दिखाने के लिए था नहीं, तो इसी वजह से शॉपिंग उतनी अच्छी तरह से कर नहीं सका, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और मैं भी इस अम्ब्रेला के नीचे अपना सर बचा के कुछ भी करके निकल रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी अभी घर पहुँच सकूँ। अचानक बारिश आ गए थे पूरा और मैं तो पूरा भीग गया हूँ, और अभी कुछ ही कुछ ना कुछ करके जल्दी से निकल रहा हूँ घर की तरफ। और बहुत कुछ ख़रीदा है हमने यहाँ पे, अच्छे अच्छे जो चीज़ थे बहुत सारे शॉप थे, वहीं पे सिर्फ बारिश नहीं हो रहे थे, वरना मार्केट तो आज पूरा बंद हो गया है बहुत ही जल्दी। तो वीडियो को मैं इसी जगह पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय। I've been fucking lost and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking